हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पाइप वॉइस, और क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए अभी मिला है तो उसी को बना रहे हैं। 20 सेंटीमीटर 20-20 का दो दो डो काट लो, पहले निशान लगा लो, उसके बाद 25 रखा थे, 25 सेंटीमीटर 22। मैंने बात नट भी मिलना चाहिए ना उतना लंबाई का। बाईस बाईस। तो यहाँ पे पाइप वाइज बनाने के लिए जो भी मटेरियल हमें मिला है उसको सबसे पहले निशान लगा के कट करेंगे। हाँ, 1 से लेके 20 तक 21 सेंटीमीटर 1 से 90 तो 20 तक आएगा। हाँ, सही बात है। अब निशान लगाए हुए सभी मटेरियल को यहाँ पे कटर के सहारे कट करेंगे। एकदम वही निशान पे से देखो। ज़्यादा हो गया, सही है सही है, टाइट कर लो, ऑन करो। थोड़ा सा टेढ़ा है ना, दबाने में प्रॉब्लम होगा ना, बेंड है। चलो, हाँ हाँ, पिन वाला फंसाने वाला जो है उधर से सपोर्ट लग जाएगा तो ऐसे हिलेगा नहीं ना। हाँ, निशान पे देख लेना पहले। टाइट कर लो पूरा बढ़िया से। आगे बढ़ा लो उसको, फिर इसका लेकिन साइड से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, उसको क्लीन करना होगा। नहीं, और आगे करो, बस हिल गया, सही है। सभी पार्ट को कट कर लिया गया है, अब इसके बाद इसे ग्राइंडर पे क्लीन करेंगे। थोड़ा क्लीन करना है बस। बस थोड़ा सा क्लीन हो जाए चारों तरफ से। थोड़ा सा रगड़ दीजिए। तो ग्राइंडिंग मशीन पे मटेरियल क्लीन हो चुका है, अब उसको फाइल के सहारे पूरा सफाई करेंगे, साफ करेंगे उसे। ये देखिए, फाइल से साफ करने के बाद लोहा बिल्कुल चमक सा गया है। अभी क्या कर रहे हो, सीधे इसका चौड़ाई नाप के आधा कर दो। हाँ, अब MS फ्लैट के कोने को काटेंगे जिसके कारण वो चौकोर पाइप में जाके पूरी तरीके से फिक्स हो जाए। फाइल लिया ना तो हर काम नॉर्मल, तो हमारा काम होगा।
धन्यवाद बोलो उसके लिए पहले। एकदम वही पॉइंट पे है, हल्का फुल्का इधर उधर होगा तो हो जाएगा, ढेर होगा नहीं, हाई चीजें इधर आते तो यहाँ भीड़ से कटा तो सही है। अब उतना डिस्टेंस दिया तो जबरी थोड़ी आएगा नीचे। तो जितना भी कटा हुआ पार्ट था उसको अब यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बेस पूरी तरीके से देखिए वेल्ड हो चुका है। तो वेल्डिंग करने के बाद इसको बालू में डाल के ठंडा कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा है, कहाँ से उसमें हो डाल रहे भाई, मत डाल दो पन्ना खत्म कर देता है वो तो टाइम काम बहुत जल्दी आ जाता है कि बस ओके खत्म मत कर पन्ना गरम हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो निशान लगा के हमने एमएस फ्लैट को रखा था उसको यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, इसी में से फिर नट को डालेंगे। तो अब फाइनली पाइप वाइज के जितने भी पार्ट्स को कट किए थे उनको वेल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा वेल्डिंग करने में ये पाइप गल गया था तो उसको गैस वेल्डिंग के सहारे भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाइस बन के पूरी तरीके से तैयार हो गई है, अब बस इसे क्लीन करेंगे और उसके बाद पेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।